हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपायर नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में आईटीबीपी हेड कॉन्स्टेबल के एडमिट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और दोस्तों जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम। ठीक है, आपको इस साइट यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, और फिर नीचे देख रहे हैं सर्च का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, आपको ये साइट ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों साइट ओपन होने के बाद आप देख रहे हैं नीचे आ जाइए। ठीक है, एडमिट कार्ड का आपको ऑप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स ये, और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 6 नंबर पे ITP हेड कॉन्स्टेबल SC फॉर्म स्टेटस। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आना चाहिए। दोस्तों को पता होगा इसमें आपकी मतलब 62 वैकेंसी आपकी इसमें, और इसमें जनरल की आपकी 37 थी, OBC की 12 थी, और SC की 10 वैकेंसी थी, ST की 3 थी दोस्तों। ठीक है, टोटल आपकी पोस्ट थी इसमें 62। ठीक है, इसमें आपकी एज मांगी गई थी 18 से 25 ईयर्स। फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, इसमें आपकी टाइपिंग जरूर होगी दोस्तों। ठीक है, जिनकी मतलब इंग्लिश में टाइपिंग जो लोग करते हैं उनकी 35 पर मिनट, ठीक है, मतलब होनी चाहिए वर्ड पर मिनट, और दोस्तों जिनकी हिंदी में टाइपिंग उनकी 30 वर्ड वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, और आपकी जो मैथमेटिक्स में कुछ में क्वालिफिकेशन मांगी गई थी +2 पास आपकी होनी चाहिए मिनिमम इसमें। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा आपसे +2 इसमें मांगी गई होगी। ठीक है, और फिर नीचे आ जाइए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अभी लॉग इन टू व्यू स्टेटस। ठीक है, अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लॉग इन पे आ जाते हैं। ठीक है, लॉग इन फ्रेंड्स आ जाते हैं, लॉग इन पे जब क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आजकल साइट बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, तो आप इसको ना रात में ट्राई करें साइट को, अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप ज़्यादातर मतलब रात के समय ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्योंकि फ्रेंड्स दिन में ये साइट ओपन नहीं होती है, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा अभी ओपन हो जाएगी ये। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन आपके सामने फ्रेंड्स ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यूजर ईमेल, दोस्तों आपने जब फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है, आपने वहाँ पे एक ईमेल आईडी दी होगी जरूर पक्का। ठीक है फ्रेंड्स, आपने वहाँ पे अपना ईमेल आईडी भरनी है यहाँ पे, और पासवर्ड फ्रेंड्स जो आपने यहाँ पे पासवर्ड आपको दिया गया, आपने को सोप वाले ने जो पासवर्ड दिया होगा आपको यहाँ पे वो फिलअप कर देना है। ठीक है, जब फ्रेंड्स ये आप देख नीचे देख रहे हैं कैप्चा कोड, आपको कैप्चा कोड डाल देना है। और फ्रेंड्स इतना सा फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको मतलब कि आपका जो पूरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, आपको वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जिनके एडमिट कार्ड मतलब जिनको पासवर्ड याद नहीं है, अपना ईमेल याद नहीं है, जिनको कुछ भी याद नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, उनको पता क्या करना है फ्रेंड्स, उनको अपने पासवर्ड पे आ जाना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, पासवर्ड पे आ जाने के बाद दोस्तों फ्रेंड्स पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद दब दे रहे हैं फ्रेंड्स ईमेल। अब फ्रेंड्स आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि आपका ईमेल क्या है आपको नहीं पता फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा आपके पास फोन नंबर है, आप अपने फोन ओनली फोन फोन से दोस्तों अपने फोन नंबर से आप अपना ईमेल ईमेल भी ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना, आप अपना ईमेल भी ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स अपने फोन नंबर से। ठीक है, आप जीमेल पे जाइए, वहां पे अपना फोन नंबर डालिए। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर से आपका ईमेल आईडी निकल जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ईमेल आईडी के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अपना ईमेल भर देना, और फ्रेंड्स सिक्योरिटी कोड क्वेश्चन आपको डाल देना है, और अपनी डीओ भी भर देनी है। ठीक है, और फ्रेंड्स कैप्चर कोड डाल देना है। कैप्चर कोड डालने के बाद दोस्तों आपका ये जो पासवर्ड है फॉरगेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके आप अपना लॉग इन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको मुझसे कोई न्यूज चाहिए फ्रेंड्स तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपका मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।